हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटे छोटे स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि आपको ईजी वे में एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है, अ विजिट टू द जू, यानी कि एक चिड़ियाघर का दौरा। तो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर द कॉमन पीपल टू विजिट रिमोट जंगल्स और फेमस नेशनल पार्क टू वॉच वेरियस एनिमल्स। इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल, यानी कि इट इज़ मीन्स यह है, नॉट मीन्स नहीं, ऑलवेज मीन्स हमेशा, पॉसिबल यानी कि संभव, यह हमेशा संभव नहीं है। इतना सा हो गया इस छोटे सेंटेंस का। फॉर मीन्स के लिए, द कॉमन पीपल यानी कि कॉमन मीन्स आम लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए, यह हमेशा संभव नहीं है। ठीक है, हाफ हमने इस सेंटेंस को पढ़ लिया। टू विजिट मीन्स, विजिट मीन्स होता है दौरा करना या देखने जाना, रिमोट जंगल्स और फेमस नेशनल पार्क। रिमोट जंगल्स यानी कि जो दूर दराज के जो जंगल होते हैं ना, जो काफ़ी दूर होते हैं, दूर दराज के जो जंगल्स होते हैं, और या फेमस नेशनल पार्क्स। फेमस यानी कि बहुत प्रसिद्ध जो होते हैं, नेशनल पार्क्स यानी कि राष्ट्रीय जो पार्क होते हैं, उनको देखना आम लोगों के लिए हमेशा संभव नहीं होता है। आम जो पीपल जो होते हैं, नॉर्मल जो पीपल होते हैं, सामान्य जो लोग होते हैं, उनके लिए दूर दराज के जो जंगल होते हैं या जो बहुत प्रसिद्ध नेशनल पार्क होते हैं, उनको देख पाना हमेशा संभव नहीं होता है। टू वॉच वेरियस एनिमल्स, टू वॉच मीन्स देखने के लिए, वेरियस यानी कि विभिन्न एनिमल्स यानी कि जानवरों को, विभिन्न जानवरों को देखने के लिए, उनके लिए ये संभव नहीं होता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्पॉट ऑल ऑफ दीज एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, यह बहुत कठिन है। टू स्पॉट मीन्स देखना, ऑल ऑफ दीज एनिमल्स, ऑल ऑफ दीज एनिमल्स यानी कि इन सभी एनिमल्स को इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स, इन देयर यानी कि उनके प्राकृतिक हैबिटेट्स यानी कि आवास में, उनका जो प्राकृतिक आवास होता है, वहाँ पर उन्हें देख पाना जो है बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत कठिन होता है। ऑल्सो साथ ही, इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर पीपल टू टेक, इट इज़ वेरी डेंजरस यानी कि यह बहुत खतरनाक है, फॉर पीपल लोगों के लिए, टू टेक, टेक मीन्स ले जाना या लेना, ठीक है, पीपल यानी कि लोगों के लिए, टू टेक मीन्स ले जाना या लेना। इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर पीपल टू टेक देयर चिल्ड्रन, ये बहुत कठिन है लोगों के लिए, टू टेक यानी कि ले जाना, देयर चिल्ड्रन उनके बच्चों को, फॉर फॉरेस्ट सफारी, फॉर मीन्स के लिए, फॉरेस्ट सफारी यानी कि वन सफारी के लिए ले जाना उनके लिए बहुत ज़्यादा कठिन होता है उनके बच्चों को। टू वॉच एनिमल्स, टू वॉच यानी कि देखने के लिए, एनिमल्स, बर्ड्स यानी कि चिड़िया वगैरह जो होती हैं, पक्षी जो होते हैं, रेप्टाइल्स यानी कि रेंगने वाले कीड़े, यहाँ पे आप सांप वगैरह भी बोल सकते हैं, क्योंकि रेप्टाइल्स हम सांप या जो भी ज़मीन पर जो रेंगने वाले कीड़े होते हैं उनको रेप्टाइल्स बोल सकते हैं, एक्सेट्रा इस तरीके के। सो इसीलिए दे प्रेफर विजिटिंग अ जू, इसीलिए दे मीन्स वे यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, आम लोगों की यानी कि सामान्य जो लोग होते हैं उनकी। दे मीन्स वे प्रेफर करते हैं, दे प्रेफर वो प्रेफर कर देते हैं विजिटिंग अ जू, एक जू को देखना वो प्रेफर करते हैं, एक पसंद करते हैं। जू मीन्स चिड़ियाघर, ठीक है, सिंपली वो चिड़ियाघर को देखना पसंद करते हैं। एंड और इट इज़ वेरी एंटरटेनिंग फॉर देम, इट इज़ वेरी एंटरटेनिंग यानी कि इट इज़ मीन्स यह है, वेरी मीन्स बहुत, एंटरटेनिंग यानी कि मनोरंजक, ये बहुत मनोरंजक है। फॉर मीन्स के लिए, देम मीन्स उनके, ये उनके लिए बहुत मनोरंजक है। टू वॉच वेरियस एनिमल्स इन द जू, टू वॉच मीन्स देखना, वेरियस एनिमल्स इनके विभिन्न प्रकार के एनिमल्स जानवरों को इन द जू, विद ऑल द प्रोटेक्शन, विद मीन्स साथ, ऑल द प्रोटेक्शन यानी कि सभी सुरक्षा के साथ में उनके लिए बहुत मनोरंजक होता है। देर इज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड बीड्स, ओके, देर इज़ अ वाइड, वाइड मीन्स विस्तृत या बहुत ज़्यादा या बहुत चौड़ी भी हम बोल सकते हैं, वाइड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, ठीक है। देर इज़ अ वाइड वेराइटी यानी कि वहाँ पे बहुत विस्तृत विभिन्नता मिलती है आपको, वेराइटी मीन्स होता है विभिन्न, अलग अलग प्रकार के ऑफ एनिमल्स मिलते हैं, बर्ड्स मिलते हैं, एंड बीड्स, बीड्स भी जानवर होते हैं जो अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है, दैट आर कैप्ट इन केजेस इन अ जू, दैट आर कैप्ट, जिन्हें रखा जाता है, कीप की ही सेकेंड फॉर्म है, कीप मीन्स होता है रखना, कीप की सेकेंड फॉर्म है कैप्ट, जिन्हें रखा जाता है इन अ केज, एक जाल में इन्हें रखा जाता है, इन अ जू, जिन्हें जू में यानी कि चिड़ियाघर में एक जाल के अंदर उन्हें रखा जाता है। जू, जू ऑल्सो कीप्स एनिमल्स, जू यानी कि चिड़ियाघर, ऑल्सो मीन्स भी, कीप्स यानी कि रखता है, एनिमल्स मीन्स जानवरों को, चिड़ियाघर है जानवरों को भी रखता है, यानी कि कौन से वाले जानवरों को भी रखता है, कीप्स यानी कि रखता है, ओके।
जू ऑल्सो कीप्स एनिमल्स, चिड़ियाघर ऑल्सो मीन्स भी कीप्स यानी कि रखता है एनिमल्स यानी कि जानवरों को, चिड़ियाघर जानवरों को भी रखता है। ऑफ रेयर स्पीसीज, रेयर स्पीसीज मीन्स जो बहुत दुर्लभ होते हैं, रेयर मीन्स दुर्लभ यानी कि बहुत सिंपल वे में अगर आपको मैं एक्सप्लेन करूँ, जिस चीज़ को हम आसानी से पा नहीं सकते, जिस चीज़ को हम आसानी से देख नहीं सकते, जिसे आसानी से छू नहीं सकते, उस चीज़ को हम बोलेंगे रेयर है, ये बहुत रेयर होता है। या फिर कुछ लोग होते हैं ना बहुत कम बोलते हैं, अगर वो कभी आपको बहुत ज़्यादा बोलते हुए दिखाई दे जाए तो आप बोलेंगे ये तो रेयरली ऐसा बोलता है ना, इस तरीके से हम बोलते हैं, यानी कि ये दुर्लभ है कि वो हमेशा ये काम नहीं करता, उसने आज ऐसा कुछ काम किया। तो रेयर स्पीसीज यानी कि रेयर प्रजाति जो होती हैं, सॉरी जो जाति होती हैं स्पीसीज, उनको देख पाते हैं। मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स आर ब्रॉट फ्रॉम फॉरन लैंड, मैनी एनिमल्स इनके बहुत सारे एनिमल्स और पक्षी आर ब्रॉट, ब्रॉट मीन्स लाना, ठीक है, बहुत सारे पक्षी और एनिमल्स यानी कि जानवर लाए जाते हैं फ्रॉम मीन्स से फॉरन लैंड, फॉरन मीन्स विदेशी, लैंड यानी कि भूमि से, विदेशी भूमि से बहुत सारे जानवर और पक्षी लाए जाते हैं। दिस गिव्स द विजिटर एन अपॉर्चुनिटी, दिस गिव्स यानी कि देता है द विजिटर्स यानी कि जो मुलाकाती होते हैं, विजिटर यानी कि मुलाकाती, या फिर हम ये बोल सकते हैं जो वहाँ पे देखने आते हैं, देखने वाले जो लोग होते हैं उनको हम विजिटर बोलेंगे। एन अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर, एक अवसर टू वॉच सच एनिमल्स, टू वॉच मीन्स देखने का, सच एनिमल्स इस प्रकार के एनिमल्स को एंड बर्ड्स को और पक्षियों को, ऑफ रेयर स्पीसीज जो दुर्लभ जाति के जो जानवर होते हैं और जो पक्षी होते हैं उनको देखने का मौका देती है, एक अवसर देती है। ब्रॉट फ्रॉम फॉरन लैंड, ब्रॉट मीन्स जो लाए गए हैं, फ्रॉम मीन्स से, फॉरन मीन्स विदेशी, लैंड मीन्स भूमि से जो लाए गए हैं। विच दे कुड हैव नेवर सीन अदरवाइज, विच मीन्स जिनको या जिन्हें दे कुड नेवर हैव नेवर सीन, जिन्हें वो कभी नहीं देख पाएंगे अन्यथा, यानी कि इसके अलावा भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं, अदरवाइज मीन्स इसके अलावा भी वो नहीं देख पाएंगे। एन अफ्रीकन लॉयन, एक अफ्रीकन लॉयन, अ कंगारू फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, एक कंगारू फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया का एक कंगारू, द गोरिल्ला, एक जो गोरिल्ला होता है यानी कि अमेरिका का जो लॉयन होता है, आप नॉर्मली ऐसे नहीं देख सकते, आप चिड़ियाघर में देख सकते हैं या फिर जो नेशनल पार्क होते हैं वहाँ देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन जो कंगारूज होते हैं वो आप ऐसे ही नहीं देख सकते कि आप कहीं भी चले गए आपको देखने को मिल गए, तो इनको भी आप जो है नेशनल पार्क में या जू में ही देख पाते हैं। तो चिंपैंजी और जो चिंपैंजीज होते हैं उनको, द जेब्रा, जेब्रा को, द वाइट टाइगर जो कि सिंपली आपको जल्दी से नहीं मिलता है, ठीक है, उसको भी हम जू में या फिर किसी भी नेशनल पार्क में देख पाते हैं। इन द वाइट पीकॉक जो कि बहुत ही कम देखने को मिलता है बट इट्स रियली वेरी ब्यूटिफुल, द पॉलर बियर, पॉलर बियर जो होते हैं उनको भी देख पाना, द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ पैरट्स यानी कि पैरट जो होते हैं, तोते जो होते हैं उनकी अलग अलग प्रकार देखने को मिलते हैं, वेराइटी मीन्स अलग अलग तरीके के पैरट वहाँ पे देखने के मिलते हैं। द पैराकीट्स, पैराकीट्स यानी कि तोते जैसे ही होते हैं वो, बहुत बहुत सारी वेराइटी में, अगर आप लोग कभी जू गए होंगे आपने ज़रूर देखा होगा, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपने भी अलग अलग तरीके के पैरट्स और पीकॉक देखे हों तो। द ह्यूज पैराथन, द ह्यूज मीन्स विशाल, पैराथन मीन्स अजगर, बहुत बड़ा अजगर जो होता है वो भी आपको जू वगैरह में देखने को इजीली मिल सकता है। और द गेंट क्रोकोडाइल, गेंट मीन्स क्या होता है, गेंट मीन्स होता है विशाल, ह्यूज मीन्स भी विशाल होता है और गेंट मीन्स भी विशाल होता है, क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ, और विशाल मगरमच्छ आपको वहाँ पर देखने को मिलता है। ऑल ऑफ दीज अमेजिंग एनिमल्स फ्रॉम सो मैनी डिफरेंट टेरेन्स एंड क्लाइमेटिक जोन्स आर नर्चर्ड एंड कैप्ट इन अ जू, यानी कि बहुत विशाल जो क्रोकोडाइल होता है, मगरमच्छ जो होता है उसको भी आप देख सकते हैं। ऑल ऑफ दीज अमेजिंग एनिमल्स, ऑल ऑफ दीज यानी कि ये सभी, अमेजिंग मीन्स अद्भुत एनिमल्स यानी कि जानवर, ये सभी जानवर फ्रॉम सो मैनी डिफरेंट ट्रेन्स, सो मैनी यानी कि बहुत सारे, डिफरेंट यानी कि विभिन्न, टेरेंस मीन्स क्या होता है, टेरेंस मीन्स होता है इलाके, टेरेंस मीन्स होता है इलाके यानी कि जो है बहुत सारे अलग अलग विभिन्न विभिन्न इलाकों से लाए जाते हैं। एंड क्लाइमेट जोन, क्लाइमेटिक जोन मीन्स क्या होता है, जलवायु क्षेत्र यानी कि क्लाइमेटिक, जैसे कि अगर हमारे यहाँ पे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो आप देखेंगे किसी और देश में, किसी और कंट्री में उस वहाँ पर ठंड हो रही होगी, तो वो अलग अलग क्लाइमेट वाले एरिए से, क्लाइमेट वाले क्षेत्र से उनको लाया जाता है। एंड आर नर्चर्ड, और उनको उनका पालन पोषण होता है, नर्चर्ड मीन्स होता है पालन पोषण करना, नर्चर मीन्स पालन पोषण करना, नर्चर्ड मीन्स पालन पोषण किया जाता है। एंड कैप्ट इन अ जू, और एक जू में उनको रखा जाता है, कैप्ट मीन्स रखना, इन अ जू मीन्स चिड़ियाघर में उनको रखा जाता है। आई होप ये जो टॉपिक आपको पसंद आया होगा, बहुत सारी इसमें न्यू वर्ड्स थे
और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो टॉपिक होते हैं ना, ये टॉपिक हमारे एसे वगैरह लिखने के लिए या पैराग्राफ लिखने के लिए जो टॉपिक्स आते हैं उनमें 100% अगर आप 8th में पढ़ते हैं, आप 10th तक भी पढ़ते हैं ना, तो ये 100% लिखने के लिए आते ही आते हैं। तो टॉपिक कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब टाइम है हमारे 3 वर्ड्स का जिनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं और ये सेंटेंस आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। इससे आप मेरी हेल्प करते हैं, साथ ही साथ हमारे साथ में जितने भी लोग जुड़ रहे हैं उनकी भी हेल्प हो जाती है। सो फर्स्ट वन इज़ रिमोट। रिमोट मीन्स क्या? टीवी का रिमोट नहीं, ठीक है। रिमोट मीन्स दूर दराज, यानी कि वो एरिया जहाँ पे हम लोगों के लिए जा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। बहुत मुश्किल से हम वहाँ जा पाते हैं, आसानी से हम नहीं जा सकते। रिमोट एरियाज यानी कि दूर दराज का चीज़। हैबिटेट यानी कि आवास, जहाँ पे आप रहते हैं। हम हैबिटेट क्या है आपका, इस तरीके से हैबिटेट ये न्यू वर्ड है, आवास के लिए, घर के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। प्रेफर मीन्स पसंद करना, जब हम किसी चीज़ के बदले में, मैं चाय के बदले कॉफ़ी प्रेफर करूँगी, यानी कि मैं कॉफ़ी ज़्यादा पसंद करूँगी, ठीक है। जब हमें कभी बोला है कि ज़्यादा ये पसंद है मुझे काम, वहाँ पे हम प्रेफर बोल सकते हैं, यानी कि पसंद करना। अब टाइम है डिक्टेशन वर्ड्स का। ये भी 3 डिक्टेशन वर्ड्स मैं आपको हर वीडियो के अंदर बोलती हूँ, उसी वीडियो से होते हैं, तो आप लिख सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ रेप्टाइल्स। डिक्टेशन का फर्स्ट वन है रेप्टाइल्स। सेकेंड वर्ड इज नर्चर्ड, नर्चर्ड। एंड थर्ड वर्ड इज स्पेसिस, स्पेसिस। फर्स्ट रेप्टाइल्स, नर्चर्ड, स्पेसिस। ये टॉपिक कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक को मैं आपके साथ में शेयर करूँ, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।